राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का 72वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय कार्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर मनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, पूर्व सांसद प्रिंस राज, पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार, राष्ट्रीय सचिव जियालाल, राष्ट्रीय सचिव देवी सचदेव व पार्टी के और दलित सिरा के तमाम लोग मौजूद रहे। सभी की मौजूदगी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस बीच पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को उनके 72वें जन्मदिन पर गुलाब का फूल देकर और फूलों का गुलदस्ता देकर जन्मदिन की बधाई दी और उनकी लंबी उम्र की कामना भी की। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि आज मेरे 72 साल पूरे हो चुके हैं और मैं अब 73 साल का हो चुका हूं। हमारी पार्टी और दलित सेना पूरे देश में काम करी है और आज मेरा जन्मदिन पूरे देश में पार्टी के लोगों ने और दलित सेना के लोगों ने बड़ी ही धूमधाम से मनाया है। पारस ने कहा कि हम गांव देहात से आए हैं और हमारे पिता कबीरपंथ के संत थे और छोटे मोटे किसान थे और हमारे पिताजी के ही देन है कि हम तीन भाई थे और तीनों भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए। जनता के द्वारा चुने गए हम तीनों भाई थे। पारस ने कहा कि हमसे जो बड़े भाई रामविलास पासवान जी थे, जिनका 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज हुआ और तीनों भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हुए और तीन भाई में से 2 भाई भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। उन्होंने कहा कि ये जो भी आशीर्वाद रहा है वह हमारे पिताजी और माताजी का रहा है। उनके आशीर्वाद से ही हम तीनों भाइयों को देश के लिए और जनता के लिए काम करने का मौका मिला है। आने वाले 5 राज्यों के चुनाव को लेकर भी पारस ने कहा कि हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन में है और एनडीए गठबंधन का जो भी आदेश रहेगा हम उनका सहयोग करेंगे। वही दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार ने भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को उनके 72वें जन्मदिन को बधाई दी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। पार्टी के और दलित सेना के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने उनकी लंबी उम्र की कामना की। आज मेरा 72वां वर्ष है। आज 72 वर्ष पूरा होने को है। कल से 72 वर्ष शुरू होगा और पूरे देश में हमारी पार्टी का संगठन है। दलित सेना हो या मेन पार्टी हो, RLJP हो, पूरे देश में संगठन है और आज पूरे देश के प्रत्येक स्टेट हेडक्वार्टर में मनाया गया। और हम लोग बहुत सुदूर गांव से आए हैं, देहात के गांव से आए हैं। हमारे पिताजी कबीरपंथ के संत थे और छोटे मोटे किसान थे। पिताजी का ही देन है कि हम तीन भाई थे और तीनों भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए। जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि हम तीनों भाई हुए और हमसे जो सबसे बड़े भाई रामविलास पासवान जी थे, आपने देखा होगा कि गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में 2 बार उनका नाम आया, दर्ज हुआ। और तीनों भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हुए। तीन भाई में से 2 भाई हम लोग भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हुए थे। ये जो भी देन है ये हमारे पिताजी और माताजी का देन है, वो कबीरपंथ थे। और स्कूली शिक्षा के अलावा परिवार में जो शिक्षा दी जाती है वो दिए उन्होंने, और जिसका ये फल अच्छा फल हुआ कि हम लोग आज तक सच्चाई के रास्ते पर चले। गरीब हो, शोषित हो, दलित हो, पीड़ित हो, पिछड़ा हो, अकलियत हो, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, गरीबों के प्रति हमारी सहानुभूति रही। और दलित सेना का जो गठन 1983 में पासवान जी ने किया था, जब दलित पर अत्याचार शुरू हुआ तो उन्होंने दलित सेना का गठन किया और पूरे देश में जहाँ कहीं भी दलित सेना पर अत्याचार होता था वो पार्लियामेंट के अंदर में, पार्लियामेंट के बाहर भी, संसद के अंदर, संसद के बाहर भी अपनी आवाज़ उठाते थे। और अंतिम समय में जाते जाते उन्होंने मुझको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद, दलित सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया और मैं भी पासवान जी के सपनों को साकार करने के लिए मैं भी पूरे देश में घूम के जहाँ कहीं भी आज के तारीख में भी दलित पर अत्याचार होता है मैं जाता हूँ, उनकी सुधि लेता हूँ, उनके सुख में दुख में मैं साथ रहता हूँ। और ईश्वर की कृपा कहिए कि सबसे कम उम्र में मैं बिहार विधानसभा का सदस्य हुआ था। आज से 47 वर्ष पूर्व बिहार विधानसभा का भी सदस्य हुआ था और 7 बार बिहार विधानसभा का सदस्य रहा, 1 बार विधान परिषद का सदस्य रहा, 9वीं बार हम लोकसभा का सदस्य हुए। बिहार में भी 4 बार सरकार में रहने का मौका मिला और लास्ट में दिल्ली में भी कैबिनेट मिनिस्ट्री में रहने का मौका मिला। तो ये हम लोगों का सोच है और आज तक पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से
पार्टी की सेवा और देश की सेवा हमने किया, ये उसको अपने आप को खुशी है कि देश की सेवा करने में, गरीबों के हित की बात करने में हम कहीं पीछे नहीं हटे, यही हमारे जीवन का मूल आधार है। लोकसभा का 72वां जो वर्षगांठ आपका है, चूँकि लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और अब देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो किस तरह की लोजपा की जो रणनीति है वो रहने वाली है? देखिए, लोजपा की जोश और उत्साह के साथ लोजपा की आपने देखा होगा कि मुझको एक भी सीट नहीं मिला, फिर भी मैं NDA के साथ था, आज भी मैं हूँ, मेरे भविष्य में भी रहूँगा। और अभी जो 4 स्टेट का चुनाव होने जा रहा है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, जम्मू कश्मीर है, ये 4 स्टेट में हमारा जो संगठन है, हमारी पार्टी का संगठन पूरे स्टेट में सब जगह है। हमारे जो पार्टी के संगठन है, हमारे खास करके दलित सेना के जो लोग हैं, NDA गठबंधन के जो भी उम्मीदवार जहाँ भी होगा, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से हम उस उम्मीदवार को जिताने में हमारी पार्टी सहयोग करेगी। पूरे रालोसपा के परिवार के सदस्य यहाँ आए हैं, सभी को उनका बर्थडे मना रहे हैं, खुशी खुशी के दिन है आज। आज हमारे माननीय श्री पशुपति कुमार पारस जी का 72वां जन्मदिन था और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को ऐसा मौका मिला। और ये जन्मदिन हम पूरे देश में मनाया जा रहा है अपने पारस जी का जन्मदिन, और इस शुभ अवसर पर हम लोगों ने दिल्ली प्रदेश के सभी लोग इकट्ठे हुए, और आपने देखा कई जगह के प्रांत के कई लोग भी आए हुए हैं। इसमें हम मंत्री जी की जो है सबको दीर्घ कामना की शुभकामनाएं देते हैं कि मंत्री जी हमारे स्वस्थ रहें और निरोग शरीर रहे, और ऐसे हम लोग हर बार 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 उनका जन्मदिन मनाते रहें और परमात्मा से दुआ करते हैं कि हमारे मंत्री जी सदा खुश रहें और स्वस्थ रहें। मंत्री जी का जन्मदिन 72वां जन्मदिन है, हर साल की भांति हम लोगों ने बड़े ज़ोर शोर के साथ मनाया है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, हमारे NCR से और बाहर से भी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और जन्मदिन की मुबारकबाद दी। हम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार जी ऐसे ही हमेशा तरोताज़ा रहें और आगे बढ़ते रहें, ताकि हम उनके साथ काम करने का हमें मौका मिलता रहे और उनके साथ हम कदम से कदम। हम दिल्ली प्रदेश के जितने साथी थे, हर साहब को बड़ी खुशी से हार्दिक बधाइयां देते हैं और प्रभु भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो तंदुरुस्त रहें और अपना हाथ हमारे ऊपर बनाए रखें। थैंक यू। NBC News के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।